पार को पाषाण मानकर के तुमने सेवा कर दी, मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन यदि मेरे किसी अनन्य भक्त का तुमने अपराध कर दिया तो मैं चाकर के भी तुमको दर्शन नहीं दूंगा। वृंदावन के एक संत, वे एक बहुत बड़े व्यापारी थे, सावधानी से सुनिएगा, लेकिन वृंदावन आकर के कथा भागवत श्रवण करने के बाद में ऐसा संतत्व जीवन में आया कि सब परित्याग करके उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। एक महात्मा जी से दीक्षा ले ली, महात्मा ने उनको सुंदर गुरु मंत्र प्रदान किया और कहा कि इस मंत्र की निष्ठा मान करके, इस मंत्र को ही योगेश्वर कृष्ण का स्वरूप मान करके, इस पर पूर्ण विश्वास के साथ इसका जप करो, ठीक है। और जैसी गुरु जी की आज्ञा थी, पहले जमुना स्नान, फिर रज को माथे से लगा करके, रज को अपने द्वादश अंगों में लगा करके, फिर मंत्र का स्मरण करना, ठीक है, सावधानी से सुनना। संत गए, पहले तो यमुना में डुबकी लगाई, डुबकी लगा करके ब्रज रज को अपने पूरे तन पर लगा करके, और गुरु मंत्र का, गुरु तारक मंत्र का जैसे ही स्मरण करने लगे, तो एक बार में ही एक मंत्र का जाप करते ही, नेत्र बंद करते ही, उनको श्री लाडली जी और श्री ठाकुर जी का दर्शन होने लगा। तो एक बार नहीं हुआ है, हमारे गुरुदेव, हम जिस परंपरा से हैं, जिस प्रकार पुष्टि मार्ग के मुख्य प्रणेता श्री वल्लभाचार्य जी हैं, ऐसे हमारे श्री संप्रदाय के मुख्य जो आचार्य हैं वे हैं अनंत श्री विभूषित भाष्यकार स्वामी श्री रामानुज भगवान, शेषावतार। जब उनको गुरु जी ने अष्टाक्षर मंत्र दिया हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय का, तो गुरु मंत्र का पहला जाप करते ही शंख चक्र गदा पद्म धारण करके नारायण प्रकट हो गए और उनको दर्शन दे दिया। भक्तमाल में वर्णन है कि गुरु मंत्र का, वैसे तो शास्त्राज्ञा करते हैं गुरु मंत्र किसी को सुनाना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे ही श्री रामानुजाचार्य जी ने पहला अष्टाक्षर मंत्र गाया और पहला मंत्र का उद्बोधन करते ही नारायण प्रकट हो गए, तो उनको प्रणाम करना भी भूल गए। क्या किया, बोले गोपुर है आरूढ़, उच्च स्वर मंत्र उच्चारो। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में जो दक्षिण में मंदिर होते हैं उनके बड़े ऊंचे ऊंचे गोपुर होते हैं। आप लोग तिरुपति जाओ, श्रीरंगम जाओ, श्रीरंगम का गोपुर तो महाराज किलोमीटरों दूर से दिखाई देता है। तो जैसे ही रामानुजाचार्य भगवान ने श्री नारायण प्रभु के दर्शन किए तो प्रणाम भी नहीं किया, दौड़े हैं और सीधे गोपुर के ऊपर खड़े होकर के अष्टाक्षर मंत्र को जोर जोर से चिल्लाने लगे, गाने लगे। आचार्यों ने कहा, बोले अपराध कर रहे हो, गुरु मंत्र को खुले में गा रहे हो। तो रामानुजाचार्य जी कह रहे हैं, जिस मंत्र का एक बार उच्चारण करने से नारायण दर्शन दे दे, ऐसे मंत्र को गुप्त नहीं रखूंगा मैं तो सबको सुना दूंगा ताकि सबको दर्शन हो जाए। कैसा भाव रामानुजाचार्य जी का। अभी दिसंबर में पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी ने भक्तमाल की कथा अपने निवास पर गुरुदेव के स्मृति में की, तब उन्होंने श्री रामानुजाचार्य जी के प्रसंग में ये भाव सुनाया, मन को इतना भाया कि आज तक कम से कम नहीं तो ज्यादा से ज्यादा नहीं तो 10-12 हजार मालाएं तो अष्टाक्षर मंत्र की कर ली होंगी, लेकिन हमको दर्शन नहीं हुए। तो वे क्या कह रहे हैं, बोले कि इतने विश्वास से गुरु मंत्र का उन्होंने उच्चारण किया कि नारायण एक बार में ही प्रकट हो गए, गुरु मंत्र में इतनी सामर्थ्य। तो वृंदावन के उस भक्त को गुरु तारक मंत्र दिया, वो कहा इसका जाप करो। यमुना जी स्नान करके ब्रजरज तन से लपेट करके जैसे ही वे आंख बंद मूंद करके बैठे तो श्री लाडली जी और किशोरी जी और लाल जी दोनों प्रकट हो गए और दोनों दर्शन देने लगे, और केवल दर्शन नहीं लीला का दर्शन कराते थे उनको, और वो बैठे बैठे वहीं पर लीला का दर्शन करते थे। आज ठाकुर जी मान कर गए हैं, आज ठकुरानी मान कर गई हैं, यहां ठाकुर जी ठकुरानी को मना रहे हैं, आज ठाकुर जी को ठकुरानी मना रहे, ऐसा दर्शन उनको होता। एक बार कोई विचित्र लीला ठाकुर जी दिखा रहे थे, उसमें ऐसी लीला हुई कि उस संत को बहुत जोर से हंसी आ गई, और जैसे ही उसको हंसी आई इतने में ही सामने से कोई भगवान का भक्त था लेकिन अपंग था, उसका एक पैर नहीं था, वो वहां से जा रहा था। अब जैसे ही उसका वहां आना हुआ, इनका जोर से हंसना हुआ, इसकी हंसी को सुनकर के उन्होंने विचार किया कि मेरे इस दुर्बलता पर ये हंस रहे, मेरी अपंगता पर हंस रहे।
और इस बात का विचार करके वो बड़े दुखी हो गए। जैसे उनके हृदय में दुख आया, इनके नेत्रों में ठाकुर ठाकुरानी का जो दर्शन हो रहा था वो अंतर ध्यान हो गया। इन्होंने नेत्र खोले, पुनः यमुना जल से अपना मुख धोया, पुनः ब्रजराज लपेट के फिर से गुरु तारक मंत्र का उच्चारण किया, लेकिन अब ठाकुर जी बुलाने से भी नहीं आ रहे। बार बार अदृश्य 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 हो रहे। दौड़े अपने गुरुदेव के पास और जाकर के चरण पकड़ लिए, रुदन करने लगे, बोले जय जय, मुझसे कोई बहुत बड़ी भूल हो गई, ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो रहा मेरे को, मैं कैसे जीऊंगा उनके दर्शन के बिना। उन्होंने पूरी बात पूरा पूछा, क्या हुआ तुमसे, कोई अपराध तो नहीं हो गया। बोले मैं अपराध कहां कर सकता हूं प्रभु। बोले सच सच बताओ, जब तुमने नेत्र खोले, ठाकुर जी का दर्शन अंतर ध्यान हुआ, नेत्र खोलती आसपास क्या वातावरण था। बोले वातावरण तो कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, एक थोड़ी सी दूर पर मैंने एक महात्मा को जाते हुए, भक्त को जाते हुए देखा। बोले वो भक्त कैसा था। बोले एक पांव नहीं था उनका। गुरु समझ गए। बोले देखो, तुमने तो भाव से ही अपने भाव को स्थापित किया होगा, लेकिन उनको ऐसा लग गया कि तुम जो हंसे हो वो उनकी अपंगता पर हंसे हो। बेटा, भगवत अपराध से तो मुक्त हो जाओगे, लेकिन भगवत भक्त अपराध से भगवान कभी मुक्त नहीं करते। अपना मान टले टले जाए, पर भक्त का मान ना टलते देखा। गुरुजी आज्ञा करो, मैं क्या करूं। बोले वृंदावन में जितने भी साधक महापुरुष हैं सबका भंडारा कराओ और सबको दक्षिणा दे करके, सबके चरणों में दंडवत प्रणाम करके सबसे क्षमा मांगो। जिससे तुमने अपराध नहीं भी किया उससे भी क्षमा मांगो। क्षमा में इतनी सामर्थ है कि ठाकुर जी पुनः प्रकट होकर दर्शन दे देंगे। उन्होंने वही किया, सबको प्रणाम किया, सबको बंधुओं क्षमा। हमारे पूज्य नाना जी क्षमा का इतना सुंदर भाव बताते थे। वे एक बार मुझे बता रहे थे, बोले लाला, जब नाना जी विद्यालय में पढ़ते थे तो बता रहे थे, बोले मैं छोटा सा था और नाना जी की माता जी हमारी पर नानी हुई, पर नानी हुई नाना की माता जी, तो पर नानी ऐसी कुछ भाव रहा होगा। तो नाना जी की माता जी बीमार हो गई, तो नाना जी के मामा जी ने आकर के गुरुदेव को बताया, बोले कि एक किशन लाल की माता जी बीमार हो गई है गुरुजी, लेकिन हम पर इतना धन नहीं है, क्या करें कैसे करें, आप बस प्रार्थना करो ठाकुर जी से वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं। नाना जी बोले, लाला मैं इतनो विचलित है गयो, इतनो दुखी है गयो कि क्या करूं। तभी बोले, हमारे गुरुकुल में एक संत रहते थे, उनके चरणों में जाकर के मैंने प्रणाम करके ये भाव बताया, तो उन संत ने कहा, परमहंस जी, उन्होंने कहा कि बेटा एक काम करो, जितने भी विद्यालय में बच्चे हैं, जितने भी विद्यालय में प्राचार्य आचार्य हैं, जितने भी विद्यालय में कार्यकर्ता हैं, रोज सुबह दोपहर शाम सबको दंडवत लेट करके प्रणाम किया करो। बोले गुरु जी सबको प्रणाम करना है। बोले हाँ सबको करो। तुम्हारे नाना जी बोले, प्राचार्यों को कर लेंगे, कार्यकर्ताओं को कर लेंगे, लेकिन इन बालकों को करने में शर्म आएगी हमको, ये तो हमारे संग पढ़ते हैं, और गुरुजी इनमें से कई तो ऐसे हैं जिनसे हमारी एक आंख नहीं बनती, उनको क्या करें। गुरुजी बोले, उनको तो और ज्यादा श्रद्धा से प्रणाम करना, हमने आज्ञा कर दी, अब ये काम शुरू कर दो। नाना जी बताते, बोले मैं सबको प्रणाम कर, तो जिनसे मेरी बनती नहीं थी ना, उनको मुंह फेर के प्रणाम करता, लेकिन करता जरूर था। हाँ, कल मेरी गुरुजी से शिकायत कर दी याने, यहां से कैसे बन जाएगी, लेकिन फिर भी बोले मैं उसके पास जाता, पांव छू करके लेट करके प्रणाम करता, और वो मजाक उड़ाता, हाँ ये हुई ना बात, ऐसे ही लेट के प्रणाम किया करो, वो मुझे और चेताते थे, लेकिन एक संत की आज्ञा होगी, मैंने प्रणाम छोड़ा नहीं, सबको प्रणाम करता, लेट लेट के प्रणाम करता। बोले लाला, एक दिन दो दिन तीन दिन बीत गए, चौथे दिन से जो मुझसे ईर्ष्या करते थे ना, उनके हृदय में भी ऐसी ऐसी दया आ गई कि जब मैं प्रणाम करता तो वो भी हाथ उठा, अरे भैया बस अब तू, क्योंकि सुबह भी करते, शाम को भी करते, दोपहर में भी करते, रात में सोने से पहले भी करते। बोले पूरा विद्यालय इतने करुणा भाव से मुझको देखने लगा, सब इतने प्रेम से भाव से सब कृपा करने लगे। बोले चार दिन बाद
हमारे मामा लौट के आए और गुरुजी से बोले, गुरुजी आपने बड़ी कृपा की, आपने प्रार्थना की, ठाकुर जी ने सुन ली, किशन लाल की माता जी अब बिल्कुल स्वस्थ हो गई हैं, बिल्कुल ठीक हैं, अब कोई दिक्कत नहीं। तो नाना जी कहते कि क्षमा में इतनी सामर्थ्य है, उन लोगों ने मुझे क्षमा कर दिया और मेरे प्रणाम करने से मैंने उनको क्षमा कर दिया, क्षमा के भाव से इतना बड़ा प्रभाव। क्षमा बड़ेन को चाहिए, धर्म के 10 लक्षणों में एक लक्षण है क्षमा, जो हम कभी नहीं करते। संत ने आज्ञा कर दी, बोले सबको सबसे जाकर के प्रार्थना करो, सब साधक तुम्हें क्षमा कर दें तो ठाकुर जी पुनः दर्शन देंगे। उन संत ने सबको प्रणाम किया, सबको दक्षिणा दी, सबके चरणों में लेट करके क्षमा मांगने लगे। सब कहते, अरे भैया तेरा अपराध नहीं है, तू क्षमा क्यों मांग रहा? बोले, नहीं, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। सबको प्रणाम करते करते उनमें से वे महात्मा जिनका एक अंग नहीं था वे भी बैठे थे, उनके चरणों में प्रणाम करके क्षमा मांगने लगे। बोले, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। संत ने हाथ रख दिया, बोले कोई बात नहीं। क्षमा जैसे ही किया, दौड़ करके गए यमुना जी में डुबकी लगा करके, जैसे ही ब्रजरज को तन पर लपेटा और नेत्र बंद करके गुरु तारक मंत्र का उच्चारण करते ही लाडली और लालजी पुनः प्रकट होकर के उनको दर्शन देने लगे। ये क्षमा में सामर्थ है। यदि आपके समस्त शत्रु आपको क्षमा कर दे ना, उसी दिन से आपके भीतर भगवत तत्व प्रारंभ हो जाएगा, हमारे भीतर ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। और उसके लिए करें क्या? श्रीमद् भागवत बार बार कहती है, सब में भगवान को देखो।